हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा। निशा फूड क्रस्ट में आप सबका स्वागत है। आज मैं निशा की रसोई में बनाने जा रही हूँ मसाला मूंगफली, मसाला पीनट। ये अगर आप एक बार अगर इस तरह से बनाकर मेरे पर खाएंगे तो हम हल्दीराम की जो मार्केट से मसाला मूंगफली लाते हैं उसका भी टेस्ट भूल जाएंगे। ये इतनी टेस्टी और चटपटी बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कच्ची मूंगफली ले ली है। ये 300 ग्राम मूंगफली है। मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। जो ख़राब मूंगफली होती हैं उन्हें आप निकाल दीजिएगा और बहुत ही अच्छी मूंगफली यहाँ पे लीजिएगा। ख़राब होगी तो उसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा सा आता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो एक बाउल में मैंने ले लिया है इसे। अब यहाँ पर हम 1.5 गिलास पानी डालकर इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश इसलिए करेंगे, इसमें अगर कुछ भी धूल मिट्टी कुछ भी अगर चिपकी होगी वो निकल भी जाएगी और इसमें अच्छा सा मॉइस्चर आ जाएगा। तो जो मॉइस्चर हमें चाहिए, इसके जो मसाले हम तैयार करेंगे वो चिपक जाए इसमें, इसलिए हम इसे इस तरह से धुल लेंगे। साफ़ भी हो जाएगी और मॉइस्चर भी आ जाएगा। तो एक छन्नी से हम छान लेंगे। अब इस तरह से हम इसे 5 मिनट रहने देंगे कि सारा एक्स्ट्रा पानी उसमें निकल जाए। हमें पूरा पानी नहीं चाहिए इसमें, इसमें बस हल्का सा मॉइस्चर चाहिए जिससे कि हमारी मूँगफली भीगी भीगी सी रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक बाउल ले लिए हैं और 5 मिनट हो गए हैं मैं मूँगफली को, तो अब उसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर मूँगफली ज़्यादा भीग जाएगी, फूल जाएगी, तो ये कुरकुरी नहीं बनेगी और इतनी टेस्टी नहीं लगेगी, अंदर से सिम सिम सी लगेगी। तो इसलिए हम ज़्यादा देर इसे नहीं भुगाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने 4 चम्मच बेसन लिया है। तो इसमें से 2 चम्मच बेसन मैं यूज़ करूँगी। खाने वाले चम्मच से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो आप देखिएगा 2 चम्मच मैंने यहाँ पर यूज़ किया। ज़्यादा बेसन हमें नहीं चाहिए। बहुत ही चटपटी ये मसाला मूँगफली तैयार होगी जो मार्केट से हम लाते हैं। तो अब यहाँ पर मसाला डालेंगे। तो 1 चम्मच मैंने चाट मसाला डाला है। फ्रेंड्स, चाट मसाला नहीं है तो वहाँ पर आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये 2 पिंच करीब हल्दी डाली है। तो अब इनको हमें अच्छे से अपने हाथों से इसे मिक्स करना है। तो जो मूँगफली हमारी गीली है उसमें ही ये अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। इसकी 2 बार हमें कोटिंग करनी है। तो पहली कोटिंग हम ये कर रहे हैं, इन्हें हाथों से इस तरह से मिक्स करना है कि ये अच्छे से बेसन के ऊपर चढ़ जाए। सारा मसाला, सारा बेसन इस पर अच्छे से कोटिंग हो जाए इस तरह से। तो उंगलियों की सहायता से इस तरह से हमें मलते जाना है। इसको रगड़ना नहीं है फ्रेंड्स, हल्के हाथ से इसे बस इस तरह से ऊपर नीचे करना है कि सारा बेसन इस पर अच्छे से चिपक जाए। और इस तरह से टॉस कर लेना है। तो इस तरह से हम जब टॉस करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, सारा मसाला ऊपर नीचे हो जाएगा। क्योंकि मूँगफली हमारी भीगी हुई है 5 मिनट की, तो वो सारा मसाला अब्जॉर्ब करेगी, अपने अंदर चिपकाएगी। तो फ्रेंड्स, अब इस पर हम दूसरी कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं लाल मिर्च ले रही हूँ 1.5 चम्मच। ये तीखी लाल मिर्च है क्योंकि ये मूँगफली मसाला मूँगफली जो बनती है ये चटपटी तीखी होती है तभी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच लाल मिर्च ले ली है। ये 2 पिंच करीब मैंने हींग लिया है। हींग का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल मार्केट की मसाला मूँगफली का टेस्ट आएगा। यहाँ पर हम जीरा पाउडर डाल रहे हैं 1/2 चम्मच और 1 चम्मच गरम मसाला। तो फ्रेंड्स, अगर बच्चों को खाने के लिए देना है तो लाल मिर्च अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो उसकी जगह आप काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच डालिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप लाल मिर्च नहीं डाल रहे हैं तो इसके बाद यहाँ पर हम काला नमक डाल लें 1/2 चम्मच। 1/2 चम्मच हम रेगुलर नमक डालेंगे। ये रेगुलर नमक है जो सफ़ेद नमक होता है हम यूज़ करते हैं। तब इन्हें अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। इस तरह से इस सारे मसाले बेसन इस पर अच्छे से कोटिंग हो जाए। बहुत झटपट बनकर तैयार होगी ये। अब 2 चम्मच बेसन हम और डालेंगे। टोटल यहाँ पे 4 चम्मच बेसन लगेगा फ्रेंड्स। ज़्यादा बेसन यूज़ नहीं होना है, ना ही हमें घोल इसका बनाना है। अब इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करना है।
10 से 15 मिनट लगता है ये हमारी मूंगफली तक की नमकीन बनकर बिल्कुल रेडी हो जाती है। और मार्केट से भी अच्छी बनती है क्योंकि ये हम घर पे बना रहे हैं, तो टेस्ट भी इसका अच्छा है। हम अपने हिसाब से इसमें जो भी मसाले हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने हिसाब से टेस्ट रख सकते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट हल्दीराम जैसी नमकीन बनकर तैयार होगी फ्रेंड्स। इस तरह से हमें इसको टोस्ट कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे हमारा ड्राई लग रहा है मसाला, तो अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स वो देखिएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा इस पर पानी का छिड़काव करेंगे, हमें पानी नहीं डालना है। तो ये जिसमें मैंने गरम मसाला लिया था उसी कटोरी में मैंने पानी लिया है, इसलिए इसका कलर इस तरह है। इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी, ये 2 चम्मच पानी लिया था, पूरा पानी नहीं डाला है, हल्का सा पानी 1 चम्मच के करीब हाथों पे लेकर उंगलियों की सहायता से इस पर छिड़काव किया है, जिससे कि इस पर थोड़ा मॉइस्चर आ जाए और मसाले की कोटिंग अच्छे से इस पर चढ़ सके। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये मूँगफली गीली हो जाएगी तो हमारी परफेक्ट नमकीन नहीं बनेगी। अब इस तो देखिए फ्रेंड्स मसाले कितने अच्छे से कोटिंग हो चुकी है इस पर। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर नहीं है फ्रेंड्स तो इसकी जगह आप चावल का आटा 1 चम्मच डाल सकते हैं। घर में जो भी चावल यूज़ करते हैं उसको आप मिक्सर जार में पीस कर उसका पाउडर बना लीजिए, 1 चम्मच उससे डाल लीजिए, आप वो डाल लीजिए, चाहे कॉर्नफ्लोर डाल लीजिए। नहीं है दोनों चीज़ें तो आप सिर्फ बेसन डालिए, उससे भी बिल्कुल परफेक्ट नमकीन बनकर तैयार होगी। इस तरह से हमें हाथों से मिक्स कर लेना है, इससे थोड़ा क्रिस्पी होगा और कोटिंग इसकी बहुत अच्छी चढ़ेगी। यहाँ पे फ्रेंड्स 5 मिनट के लिए से हम रेस्ट पे रख देंगे, जिससे कि मसाला अच्छे से चढ़ जाए इस पर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा सारा मसाला इस पर अच्छे से चढ़ गया है, कितने अच्छे से मसाले की कोटिंग हुई है मूँगफलियों पर, तो बहुत ही चटपटी मूँगफली बनकर तैयार होगी। तो चलिए अब इसे हम तलना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बेसन मसाला नहीं बचा है इसमें। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, आप इसके जगह रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है। अब इसमें हम इस तरह से मूँगफली डाल देंगे। तो हमारी मूँगफली अलग अलग है, आपकी मूँगफली अगर चिपकी भी हुई है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अगर आप तलेंगे तो जब चिपकी हुई निकलेगी तो आप बाद में से अलग कर सकते हैं ठंडा होने के बाद। तो हमारी तो मूँगफली बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है। तो 1 मिनट हमें मूँगफली डालने के बाद चलाना नहीं है फ्रेंड्स, 1 मिनट बाद ही चलाना है, कि जो इसकी अगर हम तुरंत चला देंगे तो यहाँ पर हमारी बेसन की जो कोटिंग है वो निकल सकती है। तो मीडियम फ्लेम पे इसे तलना है और 1 मिनट बाद ही चलाना है। तो इस तरह से हम अलट पलट के 2-3 मिनट इसको हम चलाएंगे मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम नहीं करना है, लो फ्लेम नहीं करना है फ्रेंड्स। और इस तरह से हमें इसको छानते हुए निकाल लेना है, सारा एक्स्ट्रा ऑयल नीचे निकल जाएगा और पूरा बैच हम इसी तरह से तैयार करेंगे। इसे अलट पलट कर अच्छे से हमें फ्राई करेंगे 2-3 मिनट, करीब इसमें 4 मिनट लगे हैं फ्रेंड्स। मैं अपना जो नमकीन तली हूँ उसमें का टाइम बता रही हूँ, मीडियम फ्लेम पे 4 मिनट लगे हैं। और मगर इसको अलट पलट 1 मिनट बाद करते रहिएगा कि इक्वली चारों तरफ से ये सिक जाए। तो अब सारी हम नमकीन निकाल लेंगे और इसी तरह से दूसरा भी तैयार कर लेंगे बैच। फ्रेंड्स देखिए हमारी नमकीन बनकर रेडी हो गई है और कितनी अच्छी इस पर मसाले की कोटिंग चढ़ी है, आप भी देख सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट नमकीन बनी है हल्दीराम जैसी, उससे भी टेस्टी है क्योंकि ये घर पे बनी है, शुद्ध है, आप अपने हाथ से बनाए हैं तो आपको पता है कि आपने इसमें क्या डाला है, क्या अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए। तो आप इस तरह की नमकीन घर पर बना कर 2 महीने स्टोर करके रख सकते हैं। और मैं इसकी आवाज़ सुना दूँ कि कितनी क्रिस्पी बनकर रेडी हुई है। तो फ्रेंड्स इसे बनाएं और इन्जॉय करें। फ्रेंड्स मेरी मसाला मूँगफली की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं या तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं फ्रेंड्स। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए तो बिल्कुल परफेक्ट नमकीन बनकर आपकी भी तैयार हो जाएगी, आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।